मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे लाने का कार्य कर रही है, जिसके तहत राज्य शासन हरिद्वार के राजा जी नेशनल पार्क के रसियाबड़ को एक सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने जा रही है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड का राजा जी नेशनल पार्क अपने आप में अलौकिक सुंदरता समेटे हुए है और इसी अलौकिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से लोग प्रत्येक वर्ष देवभूमि आते हैं। इसी क्रम में डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहां पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए भी ये जाना जाता है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार से नजीबाबाद रोड पर पड़ने वाला रसियाबड़ क्षेत्र काफी सुंदर है। वहीं इसके साथ ही यहाँ पर झिलमिल झीलें भी हैं और इस क्षेत्र में शांति बहुत है, जो कि लोगों को बहुत आकर्षित करती है। हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व करके संरक्षित क्षेत्र है, जो कि उत्तराखंड में ये हमारा स्वाम्प डियर जो है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बारह सिंगा बोल देते हैं, उसका एकमात्र वास स्थल है। और यहाँ पर बड़े काफ़ी संख्या में पर्यटक जो है इसके दीदार करने के लिए, और इसके साथ ही इसमें हाथी, जंगली हाथी हो गए, गुलदार हो गया, और सांभर चीतल जो हिरण प्रजातियाँ हैं, और जंगली सुअर, ये सब भी यहाँ पर पाया जाता है। तो जो पर्यटक सीजन होता है, पर्यटन सीजन जो है वर्षा काल छोड़ के, उसमें यहाँ पे पर्यटक आते हैं और इसके जो नियम कानून है जो उसके अंतर्गत वो उसमें सफारी की अनुमति है तो सफारी करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। बहुत अच्छा है, कई वन्य प्राणी हैं और अच्छा मूवमेंट है वन्य प्राणियों का, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और रहने की व्यवस्थाएँ हमारे पास 4 टेंट हैं, एक पर्यटक हट है और एक इंटरप्रेशन का एक कमरा है रहने के लिए, और कभी आए बहुत अच्छा है।